ग्रीडी जॉइंट चिकन वाला। एक गांव में संदीप नाम का व्यक्ति रहता था। उसने घर में ही बहुत सारी मुर्गियां पाली हुई थी। पूरा घर मुर्गियों से भरा हुआ था। वैसे संदीप अपनी मुर्गियों को एक बंगेश नाम के चिकन वाले के पास बेचता था। बंगेश संदीप की चिकन्स को कमजोर कहकर कम दाम में खरीदता था। वहीं एक दिन संदीप, ये क्या बंगेश भैया, आप हर वक्त मेरी चिकन को कमजोर कहकर कम दाम में लेते हो। मैं इतनी मेहनत से इनको पालता हूँ, अब ऐसा नहीं चलेगा। बंगेश अपने मन में, बात तो ये बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन इसको कोई झूठ बोलना पड़ेगा। तुम अगर अपनी चिकन को नहीं बेचना चाहते हो तो मत बेचो। वैसे भी मेरे पास और लोग भी आते हैं चिकन बेचने के लिए, लेकिन उनसे तो मैं और भी कम दाम में खरीदता हूँ। तुम्हें तो अच्छा दाम मिल रहा है। संदीप अपने मन में, अब तुम देखना बंगेश, मैं तुम्हें अपने काम से कैसे आश्चर्यचकित करता हूँ। बाद में संदीप एक साइंटिस्ट के पास अपनी एक मुर्गी को ले जाता है और उससे, साइंटिस्ट जी, मुझे एक ऐसी दवाई बना कर दे जिससे मेरी ये मुर्गियाँ जॉइंट मुर्गियों में बदल जाएं, ऐसा कुछ कीजिए। क्या हुआ संदीप, आज तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है, साफ साफ बताओ मुझे। बात यह है कि वो बंगेश चिकन वाला हर वक्त मेरी मुर्गियों को कमजोर है ये कहकर बहुत ही कम दाम में लेता है। अब मैं उसे अपने काम से आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ। ठीक है संदीप, तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई चीज तैयार करता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। फिर कुछ ही दिनों के बाद संदीप उस साइंटिस्ट के पास जाकर, ये लो संदीप, तुम्हारा काम हो गया है, अब इसको तुम पहले एक मुर्गी पर ट्राई करना। बाद में वो अपनी एक मुर्गी पर उसको टेस्ट करता है। बस कुछ ही टाइम के बाद वो मुर्गी आकार में बहुत बड़ी बन जाती है। संदीप उस जॉइंट चिकन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब आएगा मजा, अब वो बंगेश मुझसे ये जॉइंट चिकन जरूर खरीदेगा। तो संदीप उस जॉइंट चिकन को उस बंगेश चिकन वाले के पास लेकर जाता है। वो बंगेश उस जॉइंट चिकन को आश्चर्यचकित होकर देखने लग जाता है। अरे क्या चीज लेकर आए हो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, इतनी विशाल मुर्गी। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी चिकन बहुत कमजोर होती है, इसीलिए तुम मेरे चिकन का कम दाम लगाते हो, लेकिन अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो ये जॉइंट चिकन तुम मुझसे खरीदोगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और इतना ज्यादा चिकन कौन खरीदेगा मुझसे। देखो तुम्हें ये खरीदनी ही पड़ेगी। नहीं खरीदूंगा तो क्या कर लोगे, एक बार कह दिया है ना, चलो अब जाओ यहाँ से। वैसे संदीप बेचारा रास्ते में, अब मैं क्या करूँगा, पंगेश ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैंने तो अब सारी मुर्गियों को वो दवाई भी खिला दी, अब तो वो भी इस मुर्गी की तरह विशाल बन गई होंगी। संदीप जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बाकी सारी चिकन भी अब उस जॉइंट चिकन की तरह बदल गई थी। अब मुझे फिर से उस साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो दोबारा उसके पास जाकर, साइंटिस्ट जी, मेरे साथ तो उस बंगेश चिकन वाले ने धोखा किया है फिर से, अब मुझे अकल आई है, मैं अब दोबारा किसी की भी बातों में नहीं आऊंगा, कृपया करके मेरी जॉइंट चिकन को अपनी असली हालत में कैसे लाएं, उसके लिए कोई चीज बनाएं। मुझे पता था इस बात का कि तुम दोबारा मेरे पास आओगे, तुम भी बहुत लालच में आ गए थे कि वो बंगेश अब ज्यादा दाम लगा कर मेरी चिकन खरीदेगा, चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। संदीप साइंटिस्ट की बनाई हुई दूसरी दवाई को उन मुर्गियों को खिलाता है तो फिर से वो अपनी असली हालत में आ जाती हैं। जॉइंट मैजिकल ऑरेंज ट्रैक्टर। एक दिन अंकित नाम का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर पर बहुत सारे संतरे लेकर मार्केट में बेचने के लिए जा रहा होता है, तभी अचानक वही सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। उस ट्रक के ड्राइवर ने दारू पी रखी थी जिससे उसको समझ नहीं आया और संतुलन बिगड़ने की वजह से सीधा अंकित की तरफ आने लगता है। अंकित अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंकित बेचारे के सारे संतरे वहीं पर गाड़ियों और बाइक्स के नीचे आकर खराब हो जाते हैं। अंकित बहुत परेशान हो जाता है, अंकित बहुत दुखी था। वैसे अंकित एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है।
मैंने इतनी मुश्किल से इन संतरों को उगाया था, आज का तो दिन ही खराब है, मेरा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। बाद में अंकित जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो उस पेड़ को पानी देने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो एक जादुई संतरे का पेड़ था। वो पेड़ एकदम तरोताजा हो जाता है और वो जादुई संतरे का पेड़, इतने सालों बाद मेरी किसी इंसान ने मदद की है, आज तुमने मुझे पानी डालकर उस शैतानी राक्षस के शराब से मुझे मुक्त कर दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन वो राक्षस कौन था और उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारी उस जादुई दुनिया में मेरी तरह के और भी जादुई संतरे के पेड़ों पर उसने हमला कर दिया था और सभी की शक्तियाँ छीन ली थीं और मुझे उसने यहाँ धरती लोक पर भेज दिया था। लेकिन अब मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई हैं, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लो, ये एक जादुई संतरा है, अगर तुम किसी मुसीबत में होंगे या किसी की मदद करने के लिए ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। वैसे एक ललित नाम का आदमी कहीं जा रहा था तो वहीं उसके थोड़ा आगे जाते ही कुछ शैतानी जादूगर आ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। ललित उनकी बातें सुनने लग जाता है, वो शैतानी जादूगर। यहाँ धरती लोक पर किसी मानव से ही हमें मदद लेनी होगी, वो जादुई संतरे के पेड़ को हमने बहुत ढूंढ लिया है लेकिन वो हमें नहीं दिख रहा है। ललित लालच में आकर उनके पास चला जाता है। देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे उसके बदले कुछ दोगे तो, क्योंकि मैं एक आविष्कारक हूँ और मैं कुछ भी बना सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लगता है तुम हमारी बातें सुन रहे थे, हमें एक जादुई संतरे के पेड़ की तलाश है, वो अब फिर से जिंदा हो गया है, वो अब बहुत ही शक्तिशाली बन गया है, इसीलिए हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। उसके पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं और हम उससे वो सारी शक्तियां छीन कर ही रहेंगे, और बताओ तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे उस मैजिकल ऑरेंज ट्री की कुछ शक्तियाँ दोगे तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊंगा जिससे उस जादुई संतरे के पेड़ को तुम देख पाओगे, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। जल्दी से वो डिवाइस बनाओ। ललित कुछ दिनों के बाद वो डिवाइस बना लेता है जिससे वो उस पेड़ को देख सके, और बाद में ललित उस जादूगरों के पास जाकर, देखो ये वही डिवाइस है जिससे तुम उस जादुई संतरे के पेड़ को ढूंढ पाओगे। ठीक है, ज्यादा हमारा समय बर्बाद मत करो और उस पेड़ को इस डिवाइस से देखो। उस डिवाइस से ललित उसे देखने लग जाता है और उसे वो जादुई पेड़ दिख जाता है। वो रहा जादुई संतरे का पेड़, सामने जो पत्थर पड़ा है उसके साथ ही वो पेड़ ठहरा है। बाद में वो जादूगर, आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे, तुम्हें हम देख सकते हैं, आज समझो तुम्हारा काम तमाम। वहाँ वो संतरे का पेड़, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ, जो करना है करो। वो शैतानी जादूगर उस पर हमला कर देते हैं लेकिन उस पेड़ पर कोई भी असर नहीं होता। अभी तो सिर्फ हम दो हैं और अगर आज नहीं तो कल एक बड़ी सेना को लेकर आएंगे, फिर तो तुम हमसे नहीं बच पाओगे। और वहाँ अंकित, आज तो उस जादुई संतरे के पेड़ के पास जाता हूँ, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। अंकित उस पेड़ के पास जाता है तो वो पेड़ उसे सारी बात बताता है कि वो जादूगर फिर से उसे मारना चाहते हैं। देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन फिर से वो शैतानी जादूगर एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ जाता है और उस संतरे के पेड़ पर हमला करने लगते हैं। वो संतरे का पेड़ भी अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करता है और अंकित भी उसे मुश्किल में देखकर, यही सही टाइम है इस जादुई संतरे को इस्तेमाल करने का। बस वो एक जाइंट मैजिकल ऑरेंज ट्रैक्टर में बदलकर उन पर हमला करता है। वो मैजिकल ऑरेंज ट्रैक्टर बहुत ही शक्तिशाली था जिसकी वजह से उसने सभी को नष्ट कर दिया।